धमाकेदार प्राइम मूवीज देखने के लिए एनएच प्राइम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। हिचकी आती है तो कोई याद करता है, कौन याद कर रहा होगा मुझे? कहीं सुधीर तो नहीं? हिचकी आती है तो कोई याद करता है, कौन याद कर रहा होगा मुझे? कहीं नीता तो नहीं? तुमने मुझे याद किया? बिल्कुल नहीं। सच? झूठ? आप सुनिए। हाँ। माधव साहब। क्यों? ये गुलाब शर्मा रहे हैं। इतना प्यार से मुझे ना देखा करो। क्यों? जब तुम मुझे इस तरह देखती हो ना तो मेरे दिल में एंजू एंजू होने लगता है। एंजू एंजू? ये एंजू एंजू क्या होता है? तुम्हें नहीं मालूम एंजू एंजू क्या होता है? एंजू एंजू का मतलब होता है, एंजू एंजू का मतलब होता है, मतलब होता है एंजू एंजू।
अपने गले से मुझे लगा लो, ऐसा नशा है बहक जाऊं, ऐसा नशा है बहक जाऊं, आज मुझे तुम खुद ही संभालो। आपका चेहरा माशाल्लाह, जुल्फ का पहरा सुभान अल्लाह, बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। ओह बड़ी सिद्धि हो नीता। ओहो नीता नीता सुनो तो। इसमें हंसने की क्या बात है? जी बिल्कुल नहीं, एक लड़की अपनी जिद की वजह से ठोकर खा जाए ये तो रोने की बात है। यस व्हाट? यस यानी तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। बनाने की क्या जरूरत है? तो मैं हूँ ही बेवकूफ। आज तुमने पहली बार सच बोला है। सुधीर के बच्चे और खेल लो। अच्छा गुस्सा थूक दो। नो, अब बड़े भोले बन रहे, गुस्सा थूक दो। मैं पूछते मुझे गुस्सा दिलाया क्यों? जवाब नहीं तुम्हारा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गुस्सा मैंने दिलाया? Yes, and person. देखो नीता, this is too much. जरा जरा सी बात पर झगड़ो तुम, हर बात में नखरे तुम दिखाओ, गुस्सा भी तुम्हें आए, रूठो भी तुम, ये सब नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? तुम्हारा बार बार रूठना। क्यों जी? वो जी इसलिए जी कि जब अभी से ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा। शादी? ये जनाब आप किसकी शादी की बातें कर रहे हैं? अपने किस बदनसीब के साथ? है खुश नसीब, खूबसूरत, वैसे तो बड़ी अच्छी लड़की है, लेकिन जरा कुछ क्रैक है। क्या कहा? तो क्या मैं क्रैक हूँ? क्या कहा? तो क्या तुम मेरे साथ शादी कर रही हो? आईने में सिरे देखी है कभी आपने अपनी? अजी एक बार कोशिश की थी, आईना टूट गया। चलो अच्छा हुआ, वरना आपकी गलत फहमी दूर हो जाती। नीता मजाक छोड़ो, देखो अब मुझे गुस्सा आने वाला। अच्छा तो आपको गुस्सा भी आता है? जी नहीं, अल्लाह मियां से उसकी सोल एजेंसी आप जो ले आई हैं। सुधीर जी। फरमाइए। नहीं नहीं बाकी तो सब ठीक है, मगर आपने अपना मुखड़ा क्यों उस तरफ कर लिया? इस तरफ जली कटी बातें करता हुआ आपका खूबसूरत चौकटा जो है। बस इतनी सी बात? चलो यूं ही सही, मगर इसमें रूठने की क्या बात है? मैं रूठा हूं। और नहीं तो क्या? रूठी तो तुम थी। मैं कब रूठी थी? अभी थोड़ी देर पहले। अरे मैं तो यूं ही बना रही थी, बिल्कुल बुद्धू हो, इतना भी नहीं समझते। नीता तुम मुझसे झूठ मूठ भी ना रूठा करो, तुम नहीं जानती जब तुम रूठ जाती हो तो लगता है सारी दुनिया रूठ गई। कोई मनाने वाला हो तो कभी कभी जानकर भी रूठ जाने को जी चाहता है। और किसी दिन मनाने वाला रूठ गया तो? उस दिन जिंदगी रूठ जाएगी। तुम मुझसे कभी ना रूठना, मुझे मनाना नहीं आता। Thank you.
से बांध के रखा है। समझ गई। मुझे लगता है तुम सुधीर से मिलकर आ रही हो। हाँ बिल्कुल, तुम कैसे समझ गई? मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर तुमने सुधीर में देखा क्या है
जो तुम हर वक्त उसके ख्यालों में खोई रहती हो। ये तो मैं भी नहीं जानती कि मैंने उसमें क्या देखा है, मगर जो देखा है किसी और में नहीं देखा। पुअर गर्ल, बात दरअसल ये है कि जब तुम उसे देखती हो ना तो तुम्हारी आंखों पर उसकी मोहब्बत का चश्मा चढ़ा होता। जरा उतर जाए फिर देखो। मैंने तो उसे अच्छी तरह से देख लिया है, अब तू देख और जल। चले मेरी जूती। हाँ हाँ, खुदा पहाड़ निकला। फोटोग्राफर, बेमिसाल फोटोग्राफर, जिसकी खींची हुई तस्वीरें दुनिया के तमाम मशहूर अखबारों में छपती हैं। खैर, वैसे मेरी पसंद इतनी मामूली नहीं। You know what I mean? हाँ हाँ, तेरे लिए तो हॉलीवुड के कई हीरो अपनी बीवियों को तलाक देने के लिए तैयार हैं। माई डियर गर्ल, तुम ये क्यों नहीं समझती कि आजकल के रोमांटिक हीरो लड़की बाद में देखते हैं और उसके बाप की जायदाद पहले। और अंकल, मेरा मतलब है तुम्हारे डैडी ने तुम्हारे लिए काफी जायदाद छोड़ी है। अब तुम ही सोचो, जिस लड़की के शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग जैसे जगहों पर बड़े बड़े होटल हों, उस लड़की से मोहब्बत जताने में किसको देर लगती। सुधीर को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं है। हो भी तो मुझे क्या, चाचा जी की सारी जायदाद के मालिक तो तुम हो, मेरे हिस्से में से थोड़ी कुछ जाने वाला है। घटिया लोगों के साथ रहकर तुम्हारे ख्याल भी घटिया हो गए हैं। मगर स्टैंडर्ड बहुत हाई है। हाँ हाँ, देखती जाओ, एक दिन यही हाई स्टैंडर्ड के तुम्हारे साथ नाचने वाले लोग तुम्हें ऐसा नाचना चाहेंगे कि याद करोगे। तुम्हें या तुम्हारे सुधीर को? माय डियर गर्ल, तुम ये क्यों नहीं समझती कि आजकल के रोमांटिक हीरो लड़की बाद में देखते हैं और उसके बाप की जायदाद पहले। ये पहाड़ी लोग का गाना होता, इसका मतलब होता हम तुमको बहुत प्यार करता, तुम हमको धोखा तो नहीं देगा। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम तो मुझे धोखा नहीं दोगे। बेबड़ी सर्दी होता हम जाता, कंबला और ना हा? हम रखता उधर। भगवान, बहुत सर्दी, बहुत सर्दी। पूछने की क्या जरूरत है? मैंने सोचा पता नहीं तुम किसके साथ हो, मेरा मतलब है ख्यालों में। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं। यहाँ अकेली खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? आज घूमने नहीं गई? आई मीन मॉर्निंग वॉक? नहीं। ये तो बड़ी जाती होगी। क्यों? क्यों क्या? कोई इंतजार कर रहा होगा। तो फिर तुम चली जाओ। अगर इंतजार करने वाला इस काबिल होता तो मैं जाकर अब तक वापस भी आ गई। तू अपने आप को समझते क्या है? वही जो मैं हूं तू है क्या? पुअर गर्ल, मैं क्या हूं ये मेजर चावला से पूछो, जिनके मैं आज तक कितने डिनर रिफ्यूज कर चुकी हूँ और उन्होंने मुझे आज फिर लंच पर इनवाइट किया है। मैं क्या हूँ ये मशहूर मोटर कार कंपनी के मालिक सुजीत से पूछो, जो मेरे साथ आज तक
सिर्फ एक डांस करने के लिए तरसता है। मैं क्या हूँ? बस बस, तू ही सब कुछ है। तेरे सामने तो किलो पेट्रा और डिलेला भी फीकी पड़ जाएंगी। What do you mean? That you're very mean. You are insulting me for that wretched boy of yours. Oh, shut up and go out. I see. तेवर काफी बदले हुए हैं। हाय, किसी ने सच कहा, मोहब्बत में इंसान अंधा हो जाता है। Poor girl. गई थी, एक घंटे से खड़े खड़े मेरी टांगें टूटने लगी। तू चले जाते जी, क्या फरमाया आपने? कुछ नहीं। क्या बात है नीता, तुम कुछ परेशान दिख रही हो। नहीं तो? नहीं तो क्या, कोई बात जरूर है। कोई बात नहीं। ये भी कोई बात है? कुछ बात भी नहीं हो, ठीक से बात भी नहीं कर रही हो। कर तो रही हूँ, और कैसे करूँ। क्या कहूँ, तुम बहुत अच्छे हो, ग्रेट हो, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। जी नहीं, जी तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं सकता। सब ऐसे ही कहते हैं। ये सब से तुम्हारा क्या मतलब? क्या किसी और से भी मिलकर आ रही हो? चुप रहो। क्यों, क्या आप गाना गाने वाली? नहीं, नाचने वाली हूँ। वाह वाह, तब तो मजा आ जाएगा। मैं गाना शुरू करूँ? तुम समझते क्यों नहीं? क्या, तुम्हें तो हर वक्त मजाक सूझता है। जी, ये तो आपके देखे से आ जाती है मुंह पर रौनक, वरना बीमार का हाल बहुत बुरा है। सुधीर, कभी कभी तुम्हारे प्यार से मुझे डर सा लगने लगता है। प्यार की ताकत से तो सारे डर दूर हो जाते हैं। मगर जलने वाले जो करीब आ जाते हैं उन्हें जलने दो, कुछ देर में खुद ही खाक हो जाएंगे। तब तक उनकी जली कटी बातें जो सुननी पड़ती हैं, बातें सुनकर मन परेशान हो जाता है। परेशानी की कोई बात नहीं होता, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। लेकिन मैं हाथी नहीं हूँ, एक लड़की हूँ। एक खूबसूरत लड़की। खूबसूरत लड़की। Are you flattering me? No, I'm buttering you. सुना लड़कियाँ अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती हैं। अच्छा, तो अब तक आप कितनी लड़कियों की तारीफ कर चुके हैं? मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की की तारीफ की है, पहली और आखिरी बार। कौन है वो? वो है जिसके बगैर मैं कुछ भी नहीं। मगर वो है कौन? है हसीन, नाजनीन, महाजबीन, गुलबदन, शोलाबदन, चांद सी उजली किरण। ये लड़की का नाम है या हसरत जयपुरी के गानों के मुखड़े? नाम कैसे बता सकता हूँ उसका? ना बताओ, मुझे सुनना भी नहीं है। आप यहाँ बैठ कर शायरी फरमाइए, मैं जा रही हूँ। नीता सुनो तो सही, लाख बार कहा है कि रूठा ना करो। नीता, नीता, मेरी शोला बदन तुमको इस दिल की कसम, ऐ मेरी शोला बदन तुमको इस दिल की कसम, रूठा न करो, रूठा न करो, रूठा न करो, रूठा न करो। चांद से उजली किरण देखो मर जाएंगे हम, चांद से उजली किरण देखो मर जाएंगे हम, रूठान करो, रूठान करो, रूठान करो, रूठान करो।
खूब करो ये गवारा है मुझे, चाहे गुस्सा भी करो वो भी प्यारा है मुझे। तुम सितम खूब करो ये गवारा है मुझे, चाहे गुस्सा भी करो वो भी प्यारा है मुझे। तुम अगर रूठ गई, तुम अगर रूठ गई तो निकल जाएगा दम, रूठान करो रूठान करो। ऐ मेरी शोला बदन तुमको इस दिल की कसम, रूठान करो रूठान करो। मर मिटे तेरी कसम, मर मिटे तेरी कसम, इसी अंदाज पे हम रूठान करो रूठान करो। ऐ मेरी शोला बदन तुमको इस दिल की कसम, रूठान करो रूठान करो रूठान करो। आप यहाँ अकेली घूम रही हैं? जी हाँ, कुछ लोग शुरू में अकेले घूमते हैं और कुछ लोग बाद में। आपने कुछ मजाक किया? मैंने तो नहीं किया। हाँ, नीता मेरी बातों को हमेशा मजाक जरूर समझती है ना नीता? तुम्हारा क्या प्रोग्राम है नैना? अपना तो यही प्रोग्राम है कि कोई प्रोग्राम नहीं। वाह, क्या शराना बात किया आपने। वाकई? यकीनन। आज तुम क्यों चुप हो नीता? बेवकूफी की बातें करने से तो चुप रहना ही अच्छा। हाँ भाई, मैं बेवकूफ ना होती तो इस मौसम में, इस वक्त, इस जगह अकेली क्यों घूमती? क्यों सुधीर साहब? जी, आप लोगों की बातें तो मेरी समझ में जरा भी नहीं आ रही। तुम नहीं समझोगे। She's a big bore. काना फूसी करने की क्या जरूरत है? मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, आप गलत समझी। नीता तो कह रही थी कि नैना को भी साथ ले चलो। आप वाकई बड़े समझदार हैं। मानना पड़ता है। मगर आप भी कुछ कम नहीं हैं। मानना पड़ता है। ये तुम लोग क्या फिजूल की बातें कर रहे हो? और किस तरह की बातें करें? मेरे सामने सुधीर साहब तुम्हारी तारीफ तो करेंगे नहीं। अजी, आप कहें तो मैं आप दोनों की तारीफ कर दूं। हाँ जी, मेरी तारीफ करने से क्या फायदा? तारीफ तो आप नीता की कीजिए, जिसकी हर चीज काबिल तारीफ है। अक्ल, शक्ल, मिजाज और बैंक बैलेंस। मगर कम से कम आपकी समझ की तारीफ जरूर करनी चाहिए। तुम दोनों जब एक दूसरे की तारीफ कर चुको तो आ जाना, मैं घर जा रही हूँ। घर तो मैं जा रही हूँ। अभी तो सुधीर साहब ना जाने आपको कितने सब्ज बाग दिखाने वाले हैं। बाय। कल तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? कल सवेरे मुझे कुछ जरूरी तस्वीरें खींचनी हैं।
कई मैगजीन वालों को खत पे खत चले आ रहे हैं कि तस्वीरें भेजो, फौरन भेजो, जल्दी भेजो। तो भेजते क्यों नहीं? खींचूं तब तो भेजूं। तो खींचो ना। खींचूं कैसे? तुमसे मिलने से पहले तुम्हारे बारे में सोचते रहता हूँ, तुमसे मिलकर कुछ सोच ही नहीं सकता, और तुमसे मिलने के बाद तुम्हारी बातें याद आती रहती। तो ये हालत है? Yes. Really? Absolutely. Oh, तो चलो छुट्टी हो गई। क्यों? क्यों क्या? बस तुम काम का छोड़कर मेरे बारे में सोचा करना और मैं बैठे बैठे गाना गाया करूंगी। मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। What? ओ नो 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 मजनू मिल गया। आंटी आप नीता को समझाते क्यों नहीं? किस बारे में? सुधीर के बारे में। मैं नीता की माँ सही, लेकिन मैं सुधीर को उससे ज्यादा जानती हूँ। सुधीर जैसा लड़का मिलना भी किस्मत की बात है। वो तो ठीक है आंटी, लेकिन कॉलेज के दिनों की बात और थी और अब बात और है। क्या मतलब? मतलब ये कि वक्त के साथ साथ इंसान के ख्यालात बदल जाते हैं, उसकी पसंद बदल जाती है, यहाँ तक कि खुद इंसान बदल जाता है। जो बदल गया वो इंसान ही क्या। लेकिन आंटी मेरा मतलब है। तू नीता की फिक्र न कर, नीता सुधीर को अच्छी तरह जानती है और सुधीर नीता को, और मैं उन दोनों को। सुना है तुम बहुत बड़े फोटोग्राफर बन गए हो, बड़े बड़े अखबार वाले तुम्हारी खींची हुई तस्वीरें छापने के लिए तरसते हैं। बस आपकी दुआ है जी। इंसान को उसकी सच्ची लगन का फल हमेशा मिलता है। याद है जब तुम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तभी से तुम्हें तस्वीरें खींचने का कितना शौक था। जी हाँ, मैं अपने पुराने सेकंड हैंड कैमरे से हर जगह तस्वीरें खींचता फिरता था। और नीता, नीता मेरा मजाक उड़ाया करती थी। सुधीर के बच्चे, तुम अपने आप को समझते क्या हो? A most बढ़िया फोटोग्राफर। A most a teacher फोटोग्राफर। पेड़ पत्थर और पहाड़ों की तस्वीरें खींचते फिरते हो, कभी आज तक मेरी भी कोई तस्वीर खींची है? अजी आपकी तस्वीर खींचने के लिए इस कैमरे की थोड़ी जरूरत है। तस्वीर कैमरे से नहीं तो क्या क्रेन से खींचोगे? हाय यार, अब ना वो समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात। अजी हुजूर, आपकी तो एक एक नजर में मैंने हजार हजार तस्वीरें खींची हैं और सारे के सारे नेगेटिव दिल के लॉकर में बंद हैं। मेरे ख्याल से सुधीर तुम फोटोग्राफी का चक्कर छोड़कर शायरी शुरू कर दो। उसकी अब जरूरत नहीं, मोहब्बत में आदमी आधा शायर तो अपने आप हो जाता है, और मेरा मिजाज तो लड़कपन से शायराना है। कुछ कुछ पागलाना भी। कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। अच्छा अच्छा शायरी बंद करो, नैना आ रही है। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? बेटर देन यू। क्या बात है, आज आप बड़े मूड में हैं? ऑलवेज। नाद, ये कैमरा नया है, लगता तो पुराना है। हाँ, पुराना है पुराना। नया क्यों नहीं ले लेते? Can't afford, no money, पैसा ले। अजी साहब, आप कहें तो हम प्रेजेंट कर दें। No, 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 thank you. Thank you. Oh. कहीं जाना है? नहीं, मुझे तो नहीं, मैं सोचा शायद आपको कहीं जाना। Of course. Bye. Bye, bye. तुम भी कमाल करते हो, नैना को साफ साफ कट कर दिया। नहीं तो क्या उसके साथ गाना गाने लगता? नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो। उफ़, अब मैं तुमसे जीत थोड़ी सकती हूँ। मैं तो हार सकता हूँ। अब तो तुम लोगों का आपस में झगड़ा नहीं होता। बहुत होता है मम्मी। बिल्कुल झूठ बोल रहा है मम्मी। बिल्कुल सच बोल रहा हूँ जी, अभी भी ये मुझसे बात बात पर उठा करती है। बिल्कुल झूठ बोल रहा है मम्मी। बिल्कुल सच कह रहा हूँ मम्मी। तुम लोग बिल्कुल वैसे हो जैसे बचपन में। अच्छा तुम बातें करो, मैं खाना लगाती हूँ। सुधीर के बच्चे, मैं तुमसे झगड़ा करती हूँ, शर्म नहीं आती मम्मी से मेरी शिकायत करते हुए? मैंने कहा शिकायत की, मम्मी ने पूछा, मैंने सच बात बता दी। सच बात बता दी? अरे अभी तो कई और बातें भी बतानी हैं। और क्या? तुम्हें क्यों, मम्मी को बताऊंगा? मम्मी के बच्चे। मम्मी के बच्चे तो तुम हो, मैं तो उनका होने वाला। चुप। सुधीर साहब,
आप खाने के पहले कुछ पीते हैं? मेरा मतलब है एपेटाइजर वगैरह? जी नहीं, मैं खाने के बाद पीता हूँ। क्या? लस्सी लस्सी। जस्ट अ मिनट। हेलो, ट्रंक कॉल? शायद अनिल का ट्रंक कॉल है। हाय, हाउ आर यू? एंड आई वाज लाइव। क्या शो कर रहे हो? एंड यू वांट मी टू एक्ट? ओह नो अनिल, मुझसे नहीं होगा। क्या सुधीर? आजकल शहजादे यहीं पे है। हाँ? नहीं। अच्छा बाबा, ओके ओके, बाय बाय। अनिल का भी जवाब। क्यों, क्या हुआ? अनिल अपने क्लब की तरफ से प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए एक शो कर रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, यू मस्ट अप्रिशिएट इट। आइडिया बहुत अच्छा है, मगर इसमें काम करने के लिए मुझे और तुम्हें बुलाया है। लेकिन मैं क्या करूंगा, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तुम्हें जरूर जाना चाहिए, मैं क्या करूंगी? अरे तुम फर्स्ट क्लास डांस कर सकती हो, गा सकती हो। आप कम से कम पर्दा तो खींच सकते हैं। हंसी से ही पेट भर लोगे तो खाना क्या खाओगे? चलो चलो, खाना ठंडा हो रहा है। नैना जल्दी खा लो। नैना पहले। अच्छा। तू कहाँ रहेगी? जी मैं सुधीर साहब के लिए लस्सी बना रही थी। ये खाने के बाद लस्सी जो पीते? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। जी आप मुझसे मजाक कर रहे थे? मैं तो समझी आप सिर्फ नीता से ही मजाक करते हैं। अनिल का ट्रंक कॉल आया था। हाँ, वो वहाँ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए बहुत बड़ा शो कर रहा है, हम सब ने उनको बुलाया। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम जरूर जाएंगे। सुधीर बेटे, कोई अच्छी सी चीज तैयार कर लेना, और फिर स्टेज के लिए तो तुम दोनों को बहुत से इनाम भी मिल चुके हैं। नैना तू भी तैयार हो जाना। कबाब में हड्डी? जी मेरी वहाँ क्या जरूरत है? क्यों? मेरा मतलब है मैं वहाँ जाके क्या करूँगी, और फिर छुट्टियों में मेरी कुछ सहेलियाँ भी यहाँ आ रही हैं, तो मैं सोचती हूँ मेरा यही रहना ठीक है। जैसे तुम्हारी मर्जी। तो ठीक है, हम कल ही वहां पहुंच जाते हैं, अनिल हमें देखकर बहुत खुश होगा। मैं तुम सबको यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। आहा, वाह 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 वाह, बचपन में सुना था कि परियां आसमान पे रहती हैं, लेकिन जवानी में मालूम पड़ा कि पानी में भी रहती हैं। तुम सबको यहाँ देखकर ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत का कोई मोर्चा धरना दिए बैठा हो। तुम एक एक करके मुझे बताओ कि तुम्हारी प्रेम सेना की क्या मांगे हैं? What are your demands? मैं बताती हूँ। बताइए। इन सब के सामने नहीं, इधर आओ। ओ, प्राइवेट मामला है। मुझे कितने सारे प्राइवेट मामले संभालने पड़ते हैं। डार्लिंग तुम नहीं जानते, इनमें से कोई भी लड़की तुमसे सच्चा प्यार नहीं करती है, ये तुम्हें बेवकूफ बनाकर लूट रहे हैं। तुमसे सच्चा प्यार तो सिर्फ मैं ही करती हूँ। आई लव यू डार्लिंग। तुम ठीक कहती हो सुमित्रा, ये मुझे क्या बेवकूफ बनाएंगी, इनको बेवकूफ तो मैं बना रहा हूँ, लेकिन सच्चा प्यार मैं तुमसे ही करता हूँ। ओनली यू आई लव। और मुझे आपसे कई और बातें करनी है। करो, अवश्य करो, लेकिन यहाँ नहीं, उस झरने के पास, मुझे ठीक 1 बजे मिलना। 1 बजे, ओके, बाय बाय। बाय बाय। मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आपको भी करनी है? पधारिए, आइए, आपकी बारी है, बोलिए। डार्लिंग तुम नहीं जानते, इनमें से कोई भी लड़की तुमसे प्यार नहीं करती, सब बेवकूफ बनाकर तुम्हें लूट रही है। सच्चा प्यार तो सिर्फ मैं ही तुमसे करती हूँ। आई लव यू। आई नो यू। मैं जानता हूँ डियर, सच्चा प्यार मैं भी तुम्ही से करता हूँ, सिर्फ तुम्ही से। बाकी जल परियों को तो मैं सिर्फ जल ही पिला रहा था। सच? मैं तुमसे अकेले में और बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। अकेले में? अकेले में? तो ऐसा करो जाने मन, तुम मुझे ठीक 2 बजे उस झरने के पास मिलना। 2 बजे, ओके? अच्छा, बाय बाय। बाय बाय। नेक्स्ट। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। समझ गया, लेकिन फिर भी कहो। डार्लिंग इनमें से कोई भी लड़की तुमसे प्यार नहीं करती, ये सब तुम्हें बेवकूफ बनाकर लूटना चाहती है। सच्चा प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ। आई लव यू डार्लिंग। सेम डायलॉग। क्या मतलब?
मतलब ये कि तुमने वही कहा जो तुमको कहना चाहिए, जो तुम जैसे प्यार करने वाले को कहना चाहिए। मैं और भी कुछ कहना चाहती हूँ। जरूर कहो मेरी प्रेम पुजारन, लेकिन यहाँ नहीं, तुम मुझे झरने के पास बुलाओ, ठीक 3 बजे, ओके बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। और किसी को कुछ बताना जताना है? हाँ, मुझे बताना है। आइए पधारिए, आप ही आइए, आइए। डार्लिंग, आप नहीं जानते किन में से कोई भी लड़की मुझसे प्यार नहीं करती, ये सब मुझे बेवकूफ बना रही है, मुझे लूट रही है, सिर्फ तुमको मुझसे सच्चा प्यार है। अरे ओनली यू लव मी। अरे आपने बिल्कुल वही कहा जो मैं कहना चाहती थी। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ वो तुम नहीं बता सकती। वो क्या? मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, तुम मुझे उस झरने के पास मिलो, ठीक 4 बजे, ओके बाय बाय। बाय बाय। तो ये सब की सब मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा माल खा रही है, जैसे मेरे ही पास ब्लैक का माल है। मैं इनको वो मजा चखाऊंगा कि ये मुझे सदा याद रखेंगी। अनिल ने 1 बजे मिलने को कहा था, 2 बज गए, अभी तक नहीं आया। अरे बाप रे, ये लिली कहां से आ गई? यू, उसकी तो अनिल ने 2 बजे आने को कहा था, 3 बज गए, अभी तक नहीं आया। शोभा, बाप। भूलना नहीं, 3 बजे आना। 4 बज गए, अभी तक नहीं आया। अरे बाप रे, ये मुसीबत कहां से आ गई? ओह ओह। एक घंटे में 3 बार मेकअप कर चुकी हूँ, मगर अनिल अभी तक नहीं आया। 4 बजे को कहा था, 5:30 बज चुके हैं। 5:30 बज चुके हैं, 5:30 बज चुके हैं। लो गुलाब जामुन खाओ। 5:30 तो रोज ही बजते हैं, इसमें इतने हंसने की क्या बात है? अरे भाई तुम समझोगे नहीं, लो गुलाब जामुन खाओ। पागलों की तरह हंसते रहोगे या बताओगे भी क्या हुआ? झाड़ू फिर गया होगा। झाड़ू फिर गया होगा? तो क्या तुम आजकल म्युनिसिपैलिटी में काम कर रहे हो? तुम समझे नहीं। तुमने समझाया नहीं। झाड़ू फिर गया होगा उन बनावटी बालाओं के बनावटी थोबड़ों पर। लो गुलाब जामुन खाओ। ओहो मैं समझ गई, फिर वही लड़कियों का चक्कर। एक दिन ये लड़कियों का चक्कर तुम्हें घन चक्कर बना देगा। तो तुम्हारे ख्याल से अभी कुछ कसर बाकी है? डेफिनेटली बाकी है। जरा सुनिए, मैंने किस तरह एक साथ 4-4 बालाओं से, मेरा मतलब है बालाओं से पीछा छुड़ाया है। बेकार की बातें बाद में करो, पहले शो के बारे में बात करो जिसके लिए हमें बुलाया है। तुम शो के बारे में बिल्कुल फिक्र मत करो। बको मत, इतना बड़ा शो है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो जूते पड़ेंगे। घबराने नीता, शो में लोग जूते फेंकने की हिम्मत तक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि जूते आजकल बहुत महंगे हो गए हैं। वाह 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 वाह, जूता है या गुलाब जामुन? तो जूता खाओ, मेरा मतलब है गुलाब जामुन खाओ, खाओ। गुलाब जामुनों की हंडिया के साथ साथ तुम्हारे दिमाग की हंडिया भी खाली होती जा रही है। तो तुम मेरा दिमाग मत खाओ, जाके आराम करो। एंड डोंट वरी, मैं शो का सारा प्रोग्राम सुधीर से तय किए लेता हूँ। तो ठीक है, तो फिर तुम जानो और सुधीर जानो। अच्छा वह नीता चली गई, अब मैं तुमसे अपने लेटेस्ट इश्क के मामला पर राय ले सकता हूँ। नहीं नहीं, वो सब शो के बाद, पहले शो के बारे में बात कर लें। शो के बारे में क्या बात करनी है? आई एम द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडिया, फिर शो तो तुम्हें करना है। शो शुरू होने से पहले की जिम्मेवारी मेरी है, बाकी तुम्हारी। वाह बेटा, शो की जिम्मेवारी मेरी और शोमैन आप हैं। अच्छा भाई, शो भी तुम्हारा, शोमैन भी तुम, मुझे सिर्फ इस शो का पोस्टमैन समझिए। अब आए ना रास्ते पर, तो ऐसा करते हैं, शो शुरू होने से पहले तुम्हारा एक जोरदार भाषण। भाषण? भाइयों तब पहनो, मैं कुनाचा हाथ धरला तो कभी सोनार नहीं।
नहीं। माय डियर मुन्ना, तो फिर आप ये बताइए कि आखिर आप हैं क्या चीज? मैं ना चीज हूं, नकारा हूं, नहीं नहीं नलायक हूं, नहीं नहीं मेरा मतलब है किस लायक हूं? अगर आप किसी लायक नहीं हैं, तो फिर आप यहाँ झक मारने आए हैं? यू कैन हियर ओनली टू वेस्ट अवर वैल्यूएबल टाइम, प्लीज एक्सप्लेन मी, प्लीज टेल मी। शांति प्रिय देश की अशांत जनता अशांत। आमा, पब्लिक को चुप कराने की बजाय आप खुद क्यों नहीं चुप कर जाते? वाई डोंट यू चेक यूर माउथ एब्सोल्यूटली? वल्ला बाई गॉड, आपकी इन बेतुकी बातों से तो मेरा सर चक्कर खाने लगा। माई हेड इज ईटिंग सर्कल। इससे पहले कि आप मुझसे चुप होने को कहें, मैं खुद ही चुप हो जाता हूँ। इससे पहले कि मैं चुप हो जाऊं, मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में कुछ दो एक जरूरी बातें बताना चाहता हूं कि आज का ये शानदार प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड यानी प्रधानमंत्री सहायता कोष के लिए है। इसमें से जो पैसे इकट्ठे किए जाएंगे वो उन मुसीबत अदा लोगों में बांटे जाएंगे जो बाढ़ की वजह से बेघर बार हो गए हैं। तो भाइयों, जिगर थाम के बैठो और देखिए हमारा दिल भरे दिलकश प्रोग्राम उमर खैर। दिल में आ
लगा दे आग, मैं खाने में हूं। महाताब है जहर ये शराब है, हाल दिल खराब है, क्या करूं क्या करूं, अब जा अभी जा अभी जा। शबाब तेरा शबाब है, ये नकाब उठा ये हिजाब हटा, तू नजर मिला तू नजर मिला मेरे। Thank you.
माँ मेरे ही राग में, मेरा सोज मेरे रबाब में, तेरा नगमा मेरे ही राग में, मेरा सोज मेरे रबाब में। मुझे अकड़ियों से पिला दे तू, मुझे ले ले अपनी पनाह में, मुझे ले ले अपनी पनाह में। ये नकाब उठा, ये हिजाब हटा, तू नजर मिला, कर मुझे मस्त कर, मेरी शायरी मेरे हम सफर, मैं किसी के दर पे न जाऊंगा, मेरे दर्द का तू ही चारा गए। मेरे दर्द का तू ही चारा गए। ये नकाब उठा, ये हिजाब हटा, तू नजर मिला, तू नजर मिला। मेरे साथिया, मेरे शुक्र करो कि मैं वापस आ गया। लेकिन तुम इतनी रात तक थे कहाँ? सब तुम्हारा इंतजार करके सो गए। मैं भी किसी के इंतजार के ही चक्कर में इस हालत पर पहुंच गया। लेकिन हुआ क्या, शो खत्म होने के बाद तुम नजर ही नहीं आए। अरे भाई मैं नजर कैसे आता, शो शुरू होने के बाद मुझे एक खूबसूरत लड़की जब नजर आ गई, फिर उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा, वो मुस्कुराई, मैं शर्माया, वो हंसी, मैं सीरियस हो गया। वो मेरे पास आई और पास आई, और इससे पहले कि मैं कुछ कहता, कहने लगी कि आप कितने खूबसूरत हैं।
ये सुनते ही मैं पिलपिलायमान हो गया। मैंने कहा हेलो, कहने लगी चलो। मैंने कहा कहाँ, कहने लगी जरा मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। मैंने कहा तुम कहो तो तुम्हारे लिए मैं अपना घर तक छोड़ दू। उसके बाद उसने मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी और बड़े प्यार से बोली कि तुम कितने प्यारे लगते हो। उसके प्यारे कहते ही मेरे कानों में लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का गीत गूंजने लगा। प्यार किया जाब, प्यार किया जाब, प्यार। पूरी कहानी सुनाने के बजाय जल्दी से क्लाइमेक्स पर आ जाओ। मेरे कपड़ों की ज्योग्राफी देखकर इसकी हिस्ट्री का अंदाज नहीं लगा सकते? लेकिन तुम हिस्ट्री को मिस्ट्री क्यों बना रहे हो? फौरन सब सच सच बताओ। यार तुम तो बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह बातें करते हो। अभी बताता हूँ। मैं उस लड़की के साथ चला गया। एक सुनसान जगह पे पहुंच के वो बोली कि तुम यही ठहरो, मैं सामने वाले मकान पे रहती हूँ, अभी आई, चांदनी रात में घूमने चलेंगे। मैं वहां खड़ा खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वो तो आई नहीं, लेकिन तीन चार गुंडा किस्म के लोगों ने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया और बोले कि पर्स निकालो। मैंने जेब में हाथ डाला तो पर्स पहले ही गायब था। पर्स न मिलने पर उन लोगों ने मेरी घड़ी छीन ली और जबरदस्ती मेरे कपड़े उतार दिए। वो बदमाश अगर मुझे मिल जाए तो मैं उनसे दोस्ती कर लूंगा ताकि मुझे दोबारा ना मारे। निहायत ही घोचुक किस्म के आदमी हो, देख लिया रस्ते चलते दिल लुटाने का नतीजा। देखो सुधीर, आपने मेरी दुखी मैन, तुम मुझे डांटा मत करो। यू आर माई ओनली फ्रेंड इन दिस प्रांत। अच्छा अच्छा अच्छा, अब सो जाओ, लेकिन फिर कभी इस किस्म के चक्कर में मत फंसना। यार तुम समझते नहीं हो, मैं चक्कर में नहीं फंसता हूँ, बल्कि चक्कर मुझ में फंसता है। गुड मॉर्निंग। चाय ठंडी तो नहीं हो गई? चाय तो गर्म है, लेकिन मैं बैठे बैठे ठंडा हो गया हूँ। कोई बात नहीं, अभी गरम गरम चाय पिला देती हूँ। शक्कर कितनी? मेरे ख्याल से तुम सिर्फ चम्मच हिला दो, चाय भी मीठी हो जाएगी, कंट्रोल का जमाना है, थोड़ी शक्कर भी बच जाएगी। चुप। क्या हुआ? मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। अनिल को नहीं जगाया? अनिल को मैं क्या उठाऊंगा। हाँ, अनिल साहब रात भर मुझे जरूर उठाते रहे। क्यों? क्यों क्या, रात भर अनिल साहब करके खराटे लेते रहे और मेरी नींद बार बार टूटती रही। तो उसे हॉल में भेज दिया होता। ये अच्छी रही, उस बेचारे ने तो मुझे अपने कमरे में सुलाया और मैं उसे उसके कमरे में भी ना रहने दूं। हाँ, मगर तुम्हें नींद जो नहीं आ पाई। अजी, नींद ना आने का तो खैर कोई अफसोस नहीं, अफसोस तो ये है कि जो नींद आती तो ख्वाब आते, जो ख्वाब आते तो तुम आते। जुदाई में तेरी लेकिन न नींद आई न ख्वाब आए, देखो कहीं मम्मी ना आ जाए। अच्छे फोटोग्राफर साहब, मम्मी पूजा कर रही हैं। और पूजा के बाद भगवान से कहेंगी कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र, तुमने मेरी बेटी के लिए मेरी पसंद का घर मेरे घर भेज दिया। फिर तुम अपनी तारीफ करने लगे? मैं अपनी तारीफ क्या कर रहा हूँ, ये तो मम्मी के लिए बोल रहा हूँ। चुप क्यों हो गए? मम्मी और क्या कहेंगी? फिर वो कहेंगी, मैं जानती हूँ सुधीर मेरी लड़की से बहुत प्यार करता है, वो उसे हमेशा सुखी रखेगा, बहुत सुखी रखेगा। मेरी प्यारी बहन नीता,
अखबार में तुम्हारे स्टेज के शो की तारीफ पढ़ी। मुबारक शो के लिए, सुधीर की एक्टिंग के लिए। सुधीर एक्टिंग अच्छी करता है, मुझे पहले भी मालूम था, अब भी मालूम है। तुम भी ध्यान में रखना। मैं जानती हूँ तुम आजकल बहुत खुश हो, मगर मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारा दिल आजकल तुम्हारे बस में नहीं, इसलिए जरा दिमाग से काम लो सुधीर की तरह। और याद रखो, हर चमकने वाली चीज जरूरी नहीं कि सोना हो। तुम्हारी प्यारी बहन नैना। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सुधीर, कुछ लोग दुनिया में पैसे को ही सब कुछ क्यों समझते हैं? क्योंकि उनके लिए दुनिया में पैसा ही सब कुछ होता है। पैसे से क्या हो सकता है? पैसे से क्या नहीं हो सकता? क्या कोई सिर्फ पैसे के लिए भी प्यार कर सकता है? जरूर कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? कैसे होते हैं वो लोग? अच्छे खासे, दिखने में शरीफ, बातचीत में मीठे, बिल्कुल हमारी तरह। तो क्या तुम भी पैसे के लिए प्यार कर सकते हो? मेरी बात छोड़ो, हर कोई हमारी तरह बेवकूफ थोड़ी होता है। कितने समझदार बेवकूफ हो तुम। अच्छा सुधीर, एक बात बताओ, अगर मैं बिल्कुल गरीब होती, मेरे पास धन दौलत रुपया जायदाद कुछ ना होता, क्या फिर भी तुम उसे इतना ही प्यार करते? कितनी बेवकूफ समझदार हो तुम, फिर तो मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करता। क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम्हारी सारी दौलत सिर्फ मेरा प्यार होता। ना समझ, लोग ये नहीं समझते कि अगर प्यार मिल जाए तो दुनिया की सारी दौलत मिल जाती है, वरना दुनिया भर की दौलत देकर भी सब कुछ मिल सकता है, मगर प्यार नहीं। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो सुधीर, तुम मुझे कभी धोखा नहीं देना। जिस दिन तुमने धोखा दे दिया, सारी दुनिया पर से मेरा एतबार हट जाएगा। नीता, नीता याद रखना, जिंदगी में अगर कोई ऐसा दिन भी आ जाए जिस दिन तुम्हें लगे कि सारी दुनिया ने तुम्हें धोखा दे दिया, सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, पीछे पलट के देखना, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, अपने प्यार, अपनी वफा के साथ। तुम तो बिल्कुल घोड़े बेचकर सो रहे हो। सॉरी डियर, नए ख्यालात के लोगों पर पुरानी मिसालों का असर बहुत कम होता है। तुम्हारे लिए तो ये मिसाल वाकई पुरानी है, तुम तो गधे बेचकर सो रहे हो। ठीक है, तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आजकल के जमाने में गधों की ही पोजीशन ज्यादा सॉलिड है। तब तो तुम्हारी पोजीशन बहुत सॉलिड है। यानी तुम मुझे गधा समझते हो? कोई बात नहीं, तुमने मुझे गधा समझा, लेकिन कम से कम मुझे प्राइवेटली बता तो दिया। अरे मेरे भाई, इन रूप सुंदरियों को देख रहे हो, इन सब ने मुझे गधा समझा, लेकिन मुझे अब तक प्राइवेटली नहीं बताया। गधे को गधा ना कहना तो गधे की भी बेइज्जती है। एग्जैक्टली, ये देखो, मैं इसके नृत्य, इसके भरतनाट्यम पर पागल था, लेकिन इसने मुझे सचमुच पागल समझा और एक डॉक्टर से शादी करके मुझे बीमार कर दिया। मैं तुम्हारी सेहत के लिए दुआ करूंगा। थैंक यू सती। और ये देखो, इसकी हिरन जैसी आंखें देखकर मुझे नशा सा हो जाता था, लेकिन इसने एक विदेशी से शादी करके मेरे प्यार का नशा हिरन कर दिया। कोई बात नहीं, चलो कम से कम अपने देश में उसने तुम्हारे बजाय किसी और को तो पसंद नहीं किया। वेरी काइंड ऑफ हर। और ये देखिए, इसकी हर बात, हर अदा पर मेरा दिल गेंद की तरह उछलने लगता था, लेकिन इसने एक क्रिकेट के खिलाड़ी को कैच करके मुझे आउट कर दिया।
फिर तो तुम्हें अब इश्क का मैदान छोड़ देना चाहिए। नेवर, मैं क्रिकेट का मैदान छोड़ सकता हूँ लेकिन इश्क का मैदान नहीं। मेरी फर्दर कथा सुनो। अभी कुछ और भी बाकी है? यकीनन बाकी है। मैं लवर हूँ, कोई लोफर नहीं हूँ। मुलाजा फरमाइए, मैं हमेशा इसके प्यार की माला जपा करता था लेकिन इसने भी वरमाला किसी और को पहना दी। अनिल डियर, मुझे डर है इन दोनों से घबरा कर तुम कहीं संन्यास ना ले लो। संन्यास? बिल्कुल नहीं। संन्यास कोई उपन्यास है जो मैं ले लूं? तो फिर अब आपका क्या इरादा है? इरादा वेरी सिंपल, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, वो भी नहीं तो कोई और सही। हाय 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 हाय, तुम गले जब न मिलो लुत्फ़े मुलाकात ही क्या, मान भी जाओ मेरी बात, यह है बात ही क्या। मैंने तो हमेशा तुम्हारी बात मानी लेकिन तुम ही मुझे कुछ नहीं समझते। ये तुम क्या कह रही हो मोहिनी, मैंने तो तुम्हें इतना ज्यादा समझा कि तुम्हें समझने के बाद मेरी समझ का रॉ स्टॉक ही खत्म हो गया। फिर तुम ये भी समझ गए होगे कि तुम्हारी मोहिनी तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकती है। अरे ठहरो मोहिनी, तुम्हें मेरे प्यार में जान देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शाहजहां ने मुमताज महल के मरने के बाद ताजमहल बनवाया था लेकिन माँ बदौलत तुम्हारे मरने से पहले मोहिनी महल बनवा देंगे। लेकिन मेरे शहनशाह, मोहिनी महल बनवाने के लिए तो तुम्हें ब्लैक से सीमेंट लेनी पड़ेगी। तो क्या हुआ? मैं ये साबित कर दूंगा, एक शहनशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम अमीरों को दिया है मोहब्बत का चैलेंज। लेकिन अमीरों की बातों का यकीन करते हुए गरीब का दिल अक्सर डरता है। डरना मोहब्बत कर ले, तुमने अंदाज फिल्म नहीं देखी? देखी। और इस बात को अपने दिल से निकाल दो कि तुम गरीब हो। आज से मेरी सारी दौलत तुम्हारी, ये लो गुडविल मनी। तुम्हारी दौलत मैं तुमसे ज्यादा अच्छी तरह संभाल के रखूंगी। आई एम गिविंग यू लॉट ऑफ मनी। मोहिनी डियर, जिस तरह ये नोट तुमने अपने बटुए में संभाल के रख लिए, उसी तरह मेरे दिल को भी हमेशा संभाल के रखना। इट इज वेरी नाइस। अनिल डियर, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा दिल भी अपने साथ साथ हमेशा इस बटुए में लिए फिरूं। हाँ 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 हाँ, यू आर रियली ग्रेट। थोड़ा जवाब नहीं, आज से लैला, हीर और सुहिनी से भी पहले मोहिनी का नाम लिया जाएगा। थैंक यू डियर, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। यानी तुम जा रही हो? यानी माल लेके चंपत, बाकी कोई प्रोग्राम नहीं? अगेन धोखा। बटुए में ओए दिल मेरा ले गई लाल बटुए में, लाल बटुए में था जाल बटुए में, ओ दिल मेरा ले गई लाल बटुए में, ओ दिल मेरा ले गई। बटुए में आ दिल मेरा ले गई लाल बटुए में। मैं नैना बोल रही हूँ।
आज अखबार में एक बड़ी दर्दनाक खबर पड़ी। एक भोली भाली दौलतमंद लड़की को एक खूबसूरत नौजवान ने अपनी छोटी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसकी दौलत भी हड़प ली और बेचारी की जान भी ले ली। पहले तो खबर पढ़ते ही मेरा दिल धक से हो गया, फिर मुझे ख्याल आया कि तुम्हारी तो अभी शादी ही नहीं हुई। लेकिन फिर बार बार मुझे यही ख्याल आ रहा है कि शादी भी हो ही जाएगी। नीता, मेरा दिल ये सोच के बहुत घबरा रहा है कि अगर तुम्हारे साथ भी सुधीर ने वही किया जो उस नौजवान ने किया तो क्या होगा। मैं जानती हूँ तुम्हें यकीन है सुधीर ऐसा नहीं है, लेकिन जरा सोचो तो क्या उस बदकिस्मत भोली लड़की को उस नौजवान पे यकीन नहीं रहा होगा। खैर, अब ही कुछ नहीं बिगड़ा, सुधीर से होशियार रहो। याद रखो नीता, इलाज से पहले मर्ज से बचना अच्छा है। आइए। तुम उसे क्यों प्यार करते हो? अरे वाह, ये भी कोई सवाल है? क्यों, जवाब नहीं दे सकते? दे सकता हूँ। तो दो। तुम बुरा मान जाओगे। फिर भी दो। तो सुनो, मैं तुमसे इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि तुम मुझसे बहुत झगड़ा करती हो, हर बात पे बिगड़ जाती हो, बात बात पे रूठ जाती हो। ये तो कोई वजह नहीं हुई प्यार करने की। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक बताऊं? अच्छा तुम बताओ, फूल को खुशबू से क्यों प्यार होता है? हर फूल में खुशबू नहीं होती। हर दिल में भी प्यार नहीं होता? मैं तुम्हारे दिल की बात कर रही हूँ। मेरे दिल में तो सिर्फ प्यार ही प्यार है, चारों तरफ दूर दूर तक। एक दिन वो सारा प्यार एक जगह सिमट कर इकट्ठा हो गया, मैंने पास जाकर गौर से जो देखा तो वो तुम थी। ये तुम बिल्कुल सच कह रहे हो? सच, सिर्फ सच, सच के सिवा कुछ नहीं। तब ठीक है। क्या ठीक है? एनीता, ये तुम कभी कभी अजीब सी बातें क्यों करने लगती हो? मैं क्रैक जो हूँ तुम ही तो कहते हो। अच्छा, फिर तो खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। लव प्रॉब्लम्स, प्रेम समस्याएं। How to make successful love? प्रेमिका को अपना बनाने के गुर, lessons in love, प्रेम पाठ। अनिल, यार आज तो तुम बहुत जल्दी उठ गए। तुम उठने की बात कर रहे हो, मैं तो रात भर सोया ही नहीं। क्यों? इन प्रेम पुस्तकों का अध्ययन करता रहा ताकि शायद इनमें से कोई तरकीब मेरे हाथ लग जाए और मेरी प्यारी मोहिनी मेरे हाथ से न जाने पाए। मोहिनी? यस, माय लेटेस्ट लव, मेरी वर्तमान यानी मौजूदा प्रेमिका। इस लेटेस्ट प्रेमिका का नंबर याद है आपको? 10वीं 11वीं? आई एम सॉरी, नंबर तो मुझे भी याद नहीं, लेकिन सुधीर मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं इस लड़की से सच्चा प्यार करने लगा हूँ। कोई ऐसी तरकीब बताओ ताकि ये मुझे छोड़कर कभी ना जाए। तो मामला इतना गंभीर है? अत्यंत गंभीर। और अगर आपका होने वाला ससुर यानी कि लड़की का बाप ना माना तो? अगर वो ना माना तो पहले मैं उसके पास शांतिपूर्वक प्रेम प्रस्ताव लेकर जाऊंगा, और अगर वो तभी ना माना तो मैं उसके घर के गेट पर घेराव डाल दूंगा यानी धरना दूंगा। अगर वो फिर भी ना माना तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगा यानी अनशन, और अनशन के बाद शादी का फंक्शन, यू विल बी द चीफ गेस्ट। यार ख्याल तो बुरा नहीं है। ये ख्याल नहीं, फैमिली प्लानिंग के पहले की प्लानिंग है। मोहिनी लाल रंग की साड़ी पहने शर्मा रही होगी, मैं उससे शादी करूंगा और फिर हनीमून कश्मीर में। मोहिनी, मोहिनी, साइंस के उस्तादों ने जरा देर कर दी, वरना हम अपना हनीमून मून पर ही मनाते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं अपना अगला हनीमून
चौदहवीं के चांद पर मनाऊंगा। अगला हनीमून? तो क्या तुम एक और शादी करोगे? ओए ओए ओए, मैं तो भूल ही गया था, हनीमून तो सिर्फ एक ही बार होता है। सुनो, ये कश्मीर कितनी खूबसूरत जगह है। हाँ, शायरों ने इसे जमीन पे स्वर्ग कहा है। इस वक्त तो मुझे भी ऐसे लगता है। मेरा ख्याल है वो शायर भी अपने हनीमून के लिए कश्मीरी आए होंगे। देखो ये रंग बिरंगे भिन्न भिन्न प्रकार के हाउस बोट ऐसे लगते हैं जैसे हलवाई की दुकान पर मिठाई के थाल सजे हुए। बड़े पेटू हो, मिठाई की बातों के बजाय मीठी मीठी बातें क्यों नहीं करते? मीठी मीठी बातें अभी करता हूँ। जब तुम बातें करती हो तो ऐसा लगता है कि रसगुल्ले से शीरा टपक रहा हूँ। तुम्हारी हंसी देखकर ऐसा लगता है कि सुबह 5 बजे जलेबियाँ बन रही। मेरे ख्याल से तुम्हें बहुत भूख लगी है। ऐसे करो, पहले खाना खा लो, फिर बातें करेंगे। खाना खा लो? नया हनीमून पर आया हूँ या भोजन मून पर? नहीं नहीं, तुम ठीक कहती हो, मुझे हनीमून पर सिर्फ रोमांटिक बातें ही करनी चाहिए। कितनी देर में समझते हो? मोहब्बत की पहली निशानी है कि आदमी की समझ गड़बड़ हो जाती है। लेकिन तुम्हारी समझ तो हमेशा से गड़बड़ है। मैं पैदाइशी आशिक हूँ, आई एम बोर्न लवर। अनिल, अनिल यू। खामोश, मैं मोहब्बत के मूड में आ रहा हूँ। मैं मोहब्बत के मूड में आ रहा हूँ। प्लीज अनिल। मोहिनी, मैं मोहब्बत के मूड में आ रहा हूँ। मोहिनी, अनिल, मैं मोहब्बत के मूड में आ रहा हूँ। मोहिनी, मोहिनी, अनिल, होश में अनिल, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे, मैं अब तो यहीं पे हूँ। तुमने पुकारा और हम चले आए, जा कहीं ऐसा ना हो कि मैं चली गति हुई वो चली जाए। चली जाए, चली जाए, चली जाए। अरे नहीं नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, कभी कभी मुझे भी ऐसे ही लगता है। फिर तुम इस किस्म की लड़कियों के पीछे क्यों भागते फिरते हो? यार गड़बड़ ये है, पहले मैं लड़कियों के पीछे भागता था, आज क्या मेरे पीछे भागती? फिर तो तुम्हें कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाना चाहिए। बाहर चला जाना चाहिए? हाँ, एक आइडिया है। अमेरिका वाले चांद के 10 चक्कर लगा के आए, मैं सोचता हूं कम से कम मैं एक ही चक्कर लगा के आ जाऊं और वहां कोई अच्छी सी जगह देखकर उसका नाम माउंट मोहिनी रखाऊं। अनिल कुमार साहब, आप अपनी दौलत के जहाज पर बैठकर सारी दुनिया घूम सकते हैं, पर चांद पर पहुंचने के लिए पैसों से बहुत ज्यादा अक्ल की जरूरत है। तो ठीक है, चांद के चक्कर का आइडिया कैंसल। फिलहाल मैं एक किसी रोमांटिक जगह का चक्कर लगा रहा हूं। फिर तो तुम इटली चले जाओ। इटली? इटालियन ब्यूटीज, सोफिया लोरेन, जिना लला ब्रिजिटा एंड मेनी मोर, आपने मुझे बुलाया माता जी? ये लाबंबो लाबंबो कैसे मचा रहा है? कुछ नहीं, मैं भांगवाड़ी थिएटर के ड्रामे की रिहर्सल कर रहा था। इसी रिहर्सल के सिलसिले में बेचारा रात भर सो तक नहीं सका। अनिल, इतनी मेहनत न किया कर, तुझे तो बस हर वक्त काम ही लगा रहता है। मुझे यहाँ आए हुए इतने दिन हो गए, थोड़ी देर बैठकर तुझसे बात भी नहीं की। माता जी, मेरा इसमें क्या फॉल्ट है? आप तो 24 घंटे में 18.5 घंटे पूजा करती है और ये बेचारा सारा दिन इधर से उधर भागता रहता है लड़कियों के पीछे। लड़कियों के पीछे? मेरा लड़कियों से क्या मतलब? क्यों सुधीर? हाँ ठीक ही तो है, तुम खामखा इस बेचारे को बदनाम कर रही हो। अच्छा अनिल, मैं तो ये कहने आई थी कल तक हम लोग वापस जाएंगे। कल तक? नो, नेवर माता जी, आपको कम से कम 2-4 दिन और रुकना चाहिए। कल तो मैंने एक शानदार पिकनिक का बंदोबस्त किया है। क्यों सुधीर? तुमने मुझे नहीं बताया। कैसे नहीं बताया? मेरा ख्याल है तुम शायद भूल गए होगे। हाँ, शायद तुमने कहा था। अच्छा अच्छा, तुम लोग अपना प्रोग्राम तय करो। अच्छा अच्छा। अनिल, अब बोर मत करो, जल्दी से बताओ क्या प्रोग्राम है। प्रोग्राम? जरा बेचारे को सोचने दो। हाँ, आइडिया, स्विमिंग पूल पर पिकनिक विद म्यूजिक एंड डांस। डांस
हो और दिल भी खूबसूरत है, तुम भी खूबसूरत हो और दिल भी खूबसूरत है, इसलिए सब हसीनों में तुमसे मुझे मोहब्बत है। तुम भी खूबसूरत हो और दिल भी खूबसूरत है। सब हसीनों में तुमसे मुझे मोहब्बत है। तुम भी खूबसूरत हो और दिल भी खूबसूरत है। वाली मोहिनी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी की तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट से ईस्टमैन कलर हो गई। सच? सच कहता हूँ, झूठ की आदत नहीं मुझे। मैं कितनी खुश हूँ, कितनी खुश नसीब है। और मैं तुमसे भी ज्यादा, तुमने तो मेरी दुनिया ही बदल दी। तुमसे मिलने से पहले मेरी दुनिया बंजर थी, बेअबान थी, चारों तरफ तूफान था, भयंकर आंधी थी, और तुमसे मिलने के बाद मेरे चारों तरफ प्यार का साइक्लोन आया हुआ है। प्यार का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ये मेरे प्यार की तारीफ है या मौसम की रिपोर्ट? ये मौसम की रिपोर्ट नहीं, मेरे दिल की रिपोर्ट है। दिल का मामला है, कोई दिल लगी नहीं, फंस गया होगा बेचारा अपने किसी दिल के मामले के आसपास। अनिल का नाम तो आशिक दिल थे या परम प्रेमानंद होना चाहिए था, जहाँ कोई लड़की देखी नहीं बस शुरू। ए, तुम्हें क्या हो रहा है? और तुम्हें क्या हो रहा है? मैं तो अनिल की नकल उतार रही थी। लेकिन अनिल के साथ एक लड़की भी तो है। कहाँ है? जहाँ अनिल है। जरा मौका मिला नहीं कि चांस लेने लगे। जब बैठो। नीता, मेरा ख्याल है जब तक अनिल आया मैं सामान पैक कर लूँ। सुबह हम लोग इतनी जल्दी जाना है, टाइम नहीं मिलेगा, और अनिल आ गया तो इस वक्त कुछ करने नहीं देगा। अनिल पे आज मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, खुद ही स्विमिंग पूल पर पिकनिक का प्रोग्राम बनाया, खुद ही गाया।
सामान बाद में पैक करना, पहले मुझसे बैठ के बातें करो। बातें करो तुम ऐसे कह रही हो जैसे कल सुबह मैं पहाड़ पे अकेले लौटने वाला हूँ। वहाँ तुमको मुझसे मिलने का वक्त कहाँ मिलता है, सारा दिन कैमरे लिए यहाँ से बाहर टीच टीच टीच, और मैं घंटों तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ। बातें भी तो हम लोग घंटों तक करते रहते हैं, ये और बात है कि वो घंटे मिनटों में गुजर जाते हैं। कोई बात नहीं, कल देखना मेरी बातों की ट्रेन कितनी तेज चलती है, पहाड़ी ट्रेन तो बेचारी धीमी धीमी चल रही होगी। क्या बात है? नीता और तुम बचपन के साथी हो ना, तुम दोनों को साथ देकर मुझे बहुत खुशी होती है, इसलिए मैंने सोच लिया है कि तुम दोनों का जीवन भर का साथ कर दो। लेकिन मम्मी वो तो मैंने तुम्हारी माताजी को सब लिख दिया था, उनकी भी यही इच्छा है कि मैं तुम दोनों की शादी जल्दी कर दूं। कैसे आपकी मर्जी, पहले मुंह तो मीठा कर लो। जीते रहो बेटी। अरे तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे आज पहली बार मिल रहे हो। बैठो बेटी बैठो। लंच पर आ रहे हो ना, क्यों मुश्किल होगी? मुश्किल क्या होगी, ओ प्लीज सुधीर, ऐसा भी क्या काम है? क्या? नहीं नहीं ओ सुधीर प्लीज। तुम 1 बजे तक जरूर पहुंच जाना। Oh, you must come. Don't be so mean. Okay. Bye-bye. See you. बतावे सुधीर कहाँ है? वही जहाँ उसे इस वक्त होना चाहिए। वो कहाँ है? फरगर। घबराओ नहीं नीता, इस वक्त सुधीर साहब वकील के पास गए हुए हैं। क्यों? क्यों क्या, एक लखपति बाप की बेटी से उनकी शादी तय हो गई है, इससे अच्छा मौका वकील के पास जाने का और क्या होगा। शादी से वकील का क्या ताल्लुक? शादी से ना सही, तुम्हारी जायदाद से तो है। मेरी जायदाद? हाँ, जिसे शादी से पहले ही तुम्हारे सुधीर साहब अपने नाम करवाना चाहते हैं। आफ्टर ऑल एक फोटोग्राफर को भी तो लखपति बनने का शौक हो सकता है। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? इत्तेफाक से, ना मैं अपनी सहेली के साथ कॉफी हाउस जाती और ना तुम्हारे सुधीर साहब और वकील की बातें सुन पाती। सुधीर तुमसे मिला? वो मुझसे क्यों मिलने लगा, हालांकि वो हमारे साथ वाले टेबल पर ही बैठा हुआ था, मगर अपनी बातों में इस कदर खोया हुआ था कि उसने तो मुझे देखा तक नहीं। सुधीर वकील से क्या बातें कर रहा था? सारी बातें तो मैं ठीक से सुन ना पाई, लेकिन
सुधीर को मैंने इतना कहते हुए जरूर सुना था कि नीता की प्रॉपर्टी के, मेरा मतलब है, ट्रांसफर के सारे कागजात तैयार कर लिए है ना। और क्या सुना तुमने? और सुनोगी? तो सुनो, वकील ने कहा ठीक है आप मेरे ऑफिस में 1 बजे आ जाइए, आप जैसे चाहेंगे वैसा ही होगा। और क्या, इस वक्त सुधीर साहब उसके ऑफिस में बैठे तुम्हारी जायदाद अपने नाम करवाने के पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं और तुम यहाँ बेचारी उनका खाने पर इंतजार कर रही हो। पुअर गर्ल। नैना, सब सच बताओ नैना, क्या ये सब सच है? यकीन नहीं आता? अगर यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चलो, इस वक्त सुधीर साहब वकील के पास ही होंगे, आई एम श्योर। चलो जल्दी चलो। लीजिए आपका काम हो गया, और ये रहे मिस नीता की जायदाद के ट्रांसफर के कागजात। थैंक यू। अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, जैसा आप चाहते थे वैसा ही कर दिया है। इत्मीनान रखिए मिस्टर सुधीर, हम भी तजुर्बेकार वकील हैं, कोई पॉइंट छूट ही नहीं सकता, सब काम बिल्कुल पक्का कर दिया है। मैं जानता हूं वकील साहब, आपके हाथ से किया हुआ काम कभी कच्चा रह ही नहीं सकता। यू आर राइट, बस अब आप सिर्फ इन कागजात पर मिस नीता के दस्तखत करवा लीजिए, और इसके बाद मिस नीता जिंदगी भर के लिए आपकी गुलाम हो जाएगी। अब मालूम हुआ मैं क्या चाहता था। दोनों जहां किसी की मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, जुल्फ परेशान वीरान चेहरा, खैरियत तो है? आप कहें या न कहें, इस वक्त तो आपका वही आलम है। मैंने छुपाया लाख अपना दर्द गम, लेकिन बयां कर दी मेरी सूरत ने सब कैफियतें दिल की। मैं तो ये पहले ही जानती थी कि ऐसा होगा, कहाँ लाखों की जायदाद की मालिक नीता और कहाँ एक सिर्फ फोटोग्राफर। सुधीर साहब, जमीन लाख कोशिश करे आसमान तक कभी नहीं पहुंच सकती। आप इतने खामोश क्यों हैं? क्यों, खत्म हो गया ना आपके प्यार का नाटक? नाटक? प्यार करने वाले नाटक नहीं किया करते, और नाटक करने वाले प्यार नहीं कर सकते। विल यू गो नाउ? जा सकती है। मेरी सारी बातों का ये जवाब है? जवाब सवाल तो बराबर के लोग किया करते हैं, लाखों की जायदाद की मालिक से तो सिर्फ विनती की जा सकती है, और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप यहां से फौरन चली जाइए। ये तुम्हें क्या हो गया है सुधीर, कैसी बातें कर रहे हो? आज सारी बातें खत्म हो चुकी हैं, एक मामूली फोटोग्राफर के साथ अपना वक्त जाया मत कीजिए। मेरे साथ ऐसी बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म आ रही है। तुम्हारी जफा पर नहीं, अपनी वफा पर। सुधीर, मैंने कहा ना मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं क्या करती, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें वकील के साथ देखा, अपने कानों से तुम्हें जायदाद के बारे में बातें करते सुना, और तुम्हें यकीन आ गया कि मैं चोर हूँ, फ्रॉड हूँ, फरेबी हूँ। 2 ही मिनट में सारा फैसला कर दिया। मैं क्या करती, मैं बिल्कुल अपसेट हो गई थी। नैना ने भी
फुट। नैना ने कहा और तुमने मान लिया। अरे मुझसे तो अगर तुम खुद भी कहती कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हें धोखा दे रही हूँ, तो मैं यही कहता कि नहीं, मेरी नीता कभी ये नहीं कह सकती। और अगर तुम कह रही हो तो तुम नीता नहीं, उसकी शक्ल की कोई और लड़की हो। सुनी, मुझे माफ कर दो, सुनी मुझे माफ कर दो, कह दो मुझे माफ कर दिया, कह दो ना, सुनी। मैं आया नहीं, बुलाया गया हूं। क्यों? एक बात ये है, सुधीर दी ग्रेट का टेलीग्राम मिला कि जायदाद के मामले में हस्ताक्षर करने हैं, फौरन आ जाओ। मैं इसलिए आ गया। सुधीर कब आ रहा? वो कभी नहीं आएगा। देखो नीता, मैं बेवकूफ हूँ मगर इतना नहीं। नहीं भैया, कल मैंने सुधीर की बहुत बेइज्जती की, उसे बहुत जलील किया। ओशी, तुमने सुधीर की बेइज्जती की, उसे जलील किया? मेरा ख्याल है इससे बड़ा झूठ तो इलेक्शन के टाइम पे भी किसी ने नहीं बोला होगा। मैं सच कह रही हूँ, मुझे सुधीर की तरफ से गलत फहमी हो गई थी कि वो मेरी जायदाद के लालच में मुझसे शादी करना चाहता है। मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया था। हर बात, हर चीज यही साबित होता गया कि सुधीर शादी से पहले मेरी जायदाद अपने नाम करवा रहा है, जबकि वो बेचारा तो मेरे हिस्से की जायदाद भी तुम्हारे नाम करवाने आया था, ताकि हमारी शादी के बाद कोई ये न समझे कि सुधीर ने मेरी जायदाद के लालच में मुझसे शादी की। वाकई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था जो तुमने सुधीर के बारे में ऐसा सोचा। लेकिन मेरा दिमाग खुद नहीं खराब हो गया था, नैना ने करवाया। नैना? हाँ, नैना हमेशा मेरे दिमाग में सुधीर के बारे में जहर घोला करती थी। हमेशा मुझसे ये कहती थी कि सुधीर को मुझसे नहीं, मेरी जायदाद, मेरी दौलत से प्यार है। नैना कोई मैना तो नहीं जो जी में चाहे बोल दिया? खैर छोड़ो नैना को, मैं जाके सुधीर को मना के लाता हूँ, और वो अगर नहीं मानेगा तो मैं घेराव डाल दूंगा, गलत फहमी दूर करने का घेराव। लेकिन माफ करना, तुम भी कुछ कम बेवकूफ नहीं हो। तुम जाके नैना की बच्ची को वो कागजात क्यों नहीं दिखाती, और उसके जाके पूछो कि अब बताए कि सुधीर जायदाद किसके नाम पे करवाना चाहता था। यहां बैठ के नौबत पढ़ रही है, धोखेबाज, ये पढ़। पढ़ लिया? अब बोल, सुधीर मेरी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता है ना? बोल। पुअर गर्ल, तुम नहीं समझ सकती। हाँ हाँ, मैं नहीं समझ सकती, भगवान से सारी समझ तू ही ले आई है ना? वो तो मैं नहीं जानती, मगर इतना जरूर जानती हूँ, इस तरह सारी जायदाद छोड़ने का ढोंग बचाने में भी सुधीर की कोई गहरी चाल है। चाल बात कहीं की? चाले तो जाने तू कब से चल रही है, बोल ये सब तू क्यों कर रही? क्यों सुधीर जैसे देवता इंसान को हमेशा शैतान साबित करती रहती है? सुधीर और देवता, वाह देवी जी, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। अब तो मुझे सुधीर के साथ साथ तुम्हारे करेक्टर पे भी शक होने। क्या कहा? यही कि तुम्हारे करेक्टर से भी नीच, कमीनी, जलील। क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? सुधीर ने क्या बिगाड़ा है तेरा? बोल, बोलती क्यों नहीं? नैना की बच्ची, और मैं तेरी जान ले लूंगी। क्यों सुधीर से इतनी नफरत करती है? क्यों नफरत करती है?
क्यों क्यों क्यों? मैं उससे नफरत करती हूँ, सख्त नफरत करती हूँ। लेकिन क्यों? इसलिए इसलिए कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, बेहद मोहब्बत करती हूँ, बेहद मोहब्बत करती हूँ। लेकिन तुम तो हमेशा उसे एक नीच और गिरा हुआ आदमी समझती रही। समझती नहीं, तुम्हें समझाती रही, ताकि तुम्हारे दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो जाए और उस तक मेरा रास्ता साफ हो जाए। नैना, हम दोनों में से जरूर कोई एक पागल हो गया है। नहीं नीता, नहीं, हम दोनों होश में। आज तक मैं यही सोचती रही कि प्यार की बाजी मैं दिमाग से जीत लूंगी, लेकिन मैं भूल गई थी प्यार के खेल दिमाग से नहीं, दिल से खेले जाते। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझा देती। सुधीर को मैंने जब पहली बार तुम्हारे साथ देखा, मैं उसे उसी वक्त चाहने लगी, लेकिन मैं जानती थी कि सुधीर मेरा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तुम्हें बेहद चाहता है और तुम उसे। जब दिल ने ठोकर खाई तो मुझे दिमाग का सहारा लेना पड़ा और मैं सुधीर को तुम्हारे सामने एक मामूली और गिरा हुआ आदमी साबित करती रही, ताकि तुम उससे नफरत करने लगो और उस नफरत के अंधेरे में सुधीर की तमाम खुशियां गुम हो जाए। तब वो प्यार के लिए तड़प उठता और तुम्हारी नफरत की नदी में सुधीर के डूबते हुए दिल के लिए मेरे प्यार का दिन का काफी था। इतना सब करने के बजाय मुझे जहर क्यों नहीं दे दिया? सारा किस्सा ही खत्म हो जाता। मारना मरना हिम्मत का काम होता है नीता। मुझ जैसा गिरा हुआ इंसान ये भी नहीं कर सकता। आज मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। तुम्हारी और सुधीर की खुशियां छीनकर मैं अपनी खुशियों का झूठा महल सजाना चाहती थी। अब क्या चाहती हो? मेरी चाहत तो खत्म हो चुकी है। तुम जीत गई, मैं हार गई। लेकिन नीता, अपनी किस्मत पर नाज करो, तुम्हें सुधीर जैसा साथी मिला। सारी दुनिया में चिराग लेके ढूंढोगी तब भी तुम्हें ऐसा लड़का नहीं मिल सकता। आज तक मैंने सुधीर के बारे में जो कुछ कहा सब झूठ था, सब झूठ था। लेकिन अब मैं जो कुछ कह रही हूं सब सच, बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। कहाँ जा रही हो? तुम्हारी दुनिया से दूर। नैना, घबराओ नहीं नीता, मैं मरने नहीं जा रही। मैं तो सिर्फ तुम्हारे प्यार की दुनिया से दूर जा रही, हमेशा हमेशा के लिए। पुअर गर्ल, नीता, सुधीर कहीं नहीं मिला, मैं सब जगह दिखाया। होटल का मैनेजर कह रहा था कि वो कुछ देर पहले बिल चुकाकर चला गया और ये कह रहा था कि मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा। लेकिन तुम घबराओ नहीं, अभी प्लेन के छूटने में काफी टाइम है, मैं उसे रास्ते में ही पकड़ लूंगा। अनिल, thank you.
announces the departure of their caravan flight IC-175 to Calcutta. Passengers are requested to proceed to the aircraft. Thank you. इंडियन एयरलाइंस का कलकत्ते जाने वाला विमान अब जाने के लिए तैयार है। यात्रियों से प्रार्थना है कि वो अपने विमान की ओर पधारें। धन्यवाद। भूल जाओ उन बातों को, मुझे अनिल ने सब कुछ समझा दिया है। सुधीर, जिंदगी भर साथ निभाने की बातें और बस एक बात के लिए हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे थे, बोलो। प्यार में एक बात भी बहुत बड़ी बात होती है, जो जितना ज्यादा प्यार करता है उसका दिल उतना ही ज्यादा कमजोर हो जाता है, उतनी ही जल्दी टूट जाता है। लेकिन अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा जिंदगी भर के साथ के लिए।